कोटा की एक घटना घटी थी बहुत जोरदार। कोटा की एक बच्ची, मोक्ष मंडल की बच्ची, और वैष्णव समाज में दे दी गई 12 में दे दी। अब वो पति तो बिल्कुल वैष्णव कट्टर, और मंदिर जाना बंद कर दिया इसका, सब बंद, पूरा बंद ही कर दिया, बिल्कुल मंदिर नहीं जाओगे तो। और उसके जो वो आते थे साधु संत में चिमटा वाले, वो सब करना पड़ेगा वहाँ, तो उनकी भोजन बना, उनको करा, और सास का दीपक जलाओ, आरती तैयारी करो तुलसी की, पूरा उल्टा उल्टा काम। झगड़ा नहीं किया उसने, झगड़ा बिल्कुल नहीं, शांति से करती रही करती रही। कहती थी जाने दिया करो मंदिर, और क्या रिक्वेस्ट ही कर सकती, और क्या कर सकती, कर्म का होता है, विचार करती रही, समता रखती रही। 20 साल तक नहीं जाने दिया उसने, ठीक है क्या कह रहे हो, बस इसमें कोई बाधा नहीं थी, शुद्ध खाओ पियो बनाओ, उसे कोई दिक्कत नहीं, बनाती खा ली। 20 साल बाद शमशान घाट में वो गए पति उसका, तो उस समय उसको ऐसा विचार आया, चला गया आदमी, तो उसे ऐसा विचार आया मैंने अपनी पत्नी को कहा को हैरान कर रखा है, उसे मंदिर जाना चले जाने, अपन मत जाओ, किसी का धर्म क्यों छुड़ाते, बेचारी की भावना है। बस घर आके बोला कि तुम मंदिर चले जाया करो, जैसे 22 साल में हुआ था ना तो वो 20 साल बाद हो गई वो घटना। अब हो गई कोई बात, मंदिर जाने, अब जी छोड़ने भी चला जाता था मोटरसाइकिल से विधान में, इसमें खुद बाहर ही खड़ा रहता था, खुद बाहर खड़ा रहे उसको बिठा दे विधान में, और पूछ ले कब जाना है लेने के लिए, सो लेके भी आ जाए। फिर एक दिन ऐसे विचार आया कि अपन बाहर खड़े पान की दुकान पर 1 घंटा 2 घंटा जैसा, तो बैठे ही जाओ, सो बैठ गए। अब बैठ गए और उसी दिन उसकी काया पलट हो गई। आपको पता है मैं बाहर आ केवल उस व्यक्ति की वजह से गया था, उस व्यक्ति ने कहा पंडित जी आपको भोजन कोई नहीं बना सकता, मेरी पत्नी बना सकती है, क्यों गेहूँ धोती है, सब करती है, सब काम करती है, मसाले धोती है, तो वो मेरे से अलग से मिलने आए। 12 वाले आए थे, वे तो चले गए निराश होके, होकर निराश लेकिन जब वो आया तो नहीं हम जरूर आएंगे, आप चिंता क्यों करते, इतनी बढ़िया घटना सुना रहे हैं आप, हम जरूर आएंगे, पहुँच गए और किया, उनकी पत्नी ने किया, सब पढ़ के बोल रहे। आगे मुझे बताना है, पता है फिर क्या हुआ, तो उसकी जो संतान है वो स्मारक में पड़ी, आज बढ़िया मोक्ष कट्टर, अब तो सब कुछ अच्छे ही हो गया, मतलब अब काय का फल था ये बता सकते, धैर्य रखने का फल है।